स्टूडेंट वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलराउस के नियम की। तो अब कोलराउस नियम की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था डीवाई हकल आंसेगर समीकरण के बारे में। तो डीवाई हकल जो आंसेगर समीकरण था वो परवल वैद्युत घट के लिए क्या हो रहा था, लागू हो रहा था, जिसमें हम ग्राफ के माध्यम से मोलर चालकता की गणना कर पा रहे थे। अगर नहीं आप समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने जब दुर्बल वैद्युत घट के लिए जब ग्राफ ड्रा करना चाहा तो उसमें जो है एक्स्ट्रापोलेशन जो हमने किया, यानी कह सकते हैं बहिर्वेशन किया, तो हमें एक कह सकते हैं बहिर्वेशन ग्राफ नहीं मिला, एक वक्र मिल गया, जिससे क्या हो रहा था वह अनंत पर जो चालकता थी, ठीक है, वो जा करके यानी सी टेंस टू जीरो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो हम कह रहे थे वहां पर जो था हम मोलर चालकता यानी अनंत पर जो है विद्युत अवघट की मोलर चालकता की गणना हम ग्राफ से नहीं कर पा रहे थे। तब जा करके क्या हुआ, कोलराउस नियम का उदय हुआ, यानी कोलराउस नियम पड़ा। तो कोलराउस का नियम या किसको कहते हैं कोलराउस का स्वतंत्र आयनिक अधिगमन का नियम, तो नाम ही है स्वतंत्र आयनिक अधिगमन। तो स्वतंत्र मतलब होगा आराम से आयंस घूम रहे हो, आयनिक मतलब क्या हो आयंस, ठीक है, यानी आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से अधिगमन कर रहे हो यानी चल रहे हो, तो उस नियम को हम क्या कहेंगे कोलराउस का नियम। तो इसका मतलब क्या था कि अगर हम किसी वैद्युत घट को अनंत तक यानी इतना हम उसको तनु कर दें कि उसका जो सांद्रता हो वो लगभग जीरो के पास हो जाए, जीरो तो नहीं होगा, सी टेंस टू जीरो यानी जीरो के पास हो जाए यानी अनंत पर, यानी उससे ज्यादा आप तनु नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनंत पर जब आपने इसे तनु कर दिया तो उसकी जो वैद्युत घट की जो मोलर चालकता होती है वह क्या होगा, आयनों के कारण होगा। यानी हम कह सकते हैं कि आयनों की अगर चालकता को, आयनों की चालकता को अगर हम जोड़ दें तो उस वैद्युत घट की मोलर चालकता की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यही था आपका स्वतंत्र आयनिक अधिगमन का नियम, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसे अनंत तनुता पर किसी वैद्युत घट की मोलर चालकता किसी वैद्युत अवघट की मोलर चालकता उस वैद्युत अवघट से उत्पन्न आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। क्लियर, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसमें ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए हमने एक बीकर लिया है और बीकर में हमने नमक का घोल ले लिया, यानी मान लीजिए 10 अणु जो है NaCl है, तो इसको जब आप जल में घोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये टूटेगा, तो 10 Na प्लस बन जाएगा और 10 क्या हो जाएगा Cl माइनस बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि चालकता जो होती है वो किसके कारण होता है, आयनों के कारण होता है, यानी आयन जब मूव करते हैं गति करते हैं तो उसके कारण क्या होगा, चालकता उत्पन्न होगा। तो हम ये कहेंगे आयनों के गति के कारण चालकता उत्पन्न होगी। तो वही कह रहा है कि 10 आयन सोडियम के और 10 आयन क्लोराइड आयन के, ठीक है, तो इन दोनों आयनों की जो मोलर चालकता है उसको अगर हम जोड़ दें तो संपूर्ण वैद्युत घट की यानी इस वैद्युत घट की मोलर चालकता की गणना हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत घट की मोलर चालकता उस वैद्युत घट से उत्पन्न, तो कितने निकल रहे हैं देखिए, इतने नहीं, से उत्पन्न आयनों की मोलर चालकताओं का के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यही है, तो इसको हम कैसे और लिखेंगे, तो अगर लिखें कि कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से, तो कोलराउस से अगर नियम से अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लैम्डा नॉट एम इक्वल टू न्यू प्लस लिखेंगे न्यू, ठीक है, ऐसे वी बनाएंगे और ऊपर ऐसे थोड़ा सा मोड़ देंगे, न्यू प्लस हो जाएगा, लैम्डा नॉट हो जाएगा और यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिख सकते हैं न्यू, माइनस होगा लैम्डा नॉट हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये क्या है टर्म उसको समझ लेते हैं, तो लैम्डा नॉट एम को हम कहेंगे मोलर चालकता, ठीक है, यानी अनंत पर मोलर चालकता
रखता, क्लियर। अगर हम बात करते हैं न्यू प्लस क्या है, तो न्यू प्लस होगा धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या, ठीक है। और अगर लैम्डा नॉट प्लस लिखें तो हम कहेंगे ये हो जाएगी धनायनों की मोलर चालकता, ठीक है। ध्यान में रखेंगे यहाँ जीरो है तो अनंत की बात करेंगे, यानी अनंत तनुता पर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि न्यू माइनस क्या होता है, तो न्यू माइनस अगर लिखें तो न्यू माइनस मतलब ऋणायनों की संख्या होगी, यहाँ पर ऋणायनों की संख्या, ठीक। और उसके बाद लैम्डा नॉट माइनस जो होगा वही है ये अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता, ऋणायन की मोलर चालकता, क्लियर। तो यहां पे अगर बात करें अनंत, यहां लिख लेंगे तनुता पर, ठीक है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा नॉट एम होगा, और न्यू प्लस क्या होगा धनायनों की संख्या, और लैम्डा नॉट प्लस जो होगा वो धनायनों की मोलर चालकता अनंत तंत्रों पर होगी, और न्यू माइनस को लिखेंगे ऋणायनों की संख्या, और लैम्डा नॉट माइनस जो होगा अनंत तंत्रों पर ऋणायन की मोलर चालकता है, ठीक है। तो इसको है, तो ये अगर याद है तो ठीक है, याद करेंगे, नहीं तो फिर इसको भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ हम समझते हैं कि मोलर चालकता हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते पहले कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड को अगर हम तोड़ रहे हैं तो किस में टूटेगा, यह हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, CO माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका EH प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब इसकी मोलर चालकता हमें निकालना है, अगर इसका वैद्युत अपघटन तो यही होगा, और ये उसका आयन है, तो आयनों की मोलर चालकता का हम योग कर दें तो इसकी चालकता निकल जाएगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे लैम्डा नॉट लिखेंगे, और CH3 हो जाएगा COOH लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लैम्डा नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोफिशियंट जो है यानी गुणा जो है गुणांक एक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यानी ऋणायनों की संख्या एक है, यहाँ पर भी धनायनों की संख्या एक ही है, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यानी न्यू प्लस और न्यू माइनस जो है उसकी वैल्यू एक ही है, ठीक है। तो लैम्डा नॉट ईएम जो हो जाएगा आप क्या लिख सकते हो एसीटेट आयन हो जाएगा, C3CO माइनस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस लिख सकते हैं आप लैम्डा नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर ईएम लिख सकते हैं, और एच प्लस ईएम नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख लेंगे तो और अच्छी बातें हैं, ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने सोडियम सल्फेट ले लिया, Na2SO4 ले लिया, और आप इसको ब्रेक किए तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस दे देगा, और SO4 क्या हो जाएगा माइनस दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मोलर चालकता निकालना चाहते हैं तो लैम्डा नॉट हो जाएगा, और सोडियम सल्फेट है तो Na2 क्या लिखोगे SO4 लिखोगे, Na2SO4 होगा। अब यहाँ पर लिखोगे लैम्डा नॉट, अब देखिए इसकी संख्या यहाँ पर देखिए बता दिया है दो है, तो आप दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। यानी ये जो था ये क्या था आपका न्यू प्लस था, क्या था न्यू प्लस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लैम्डा नॉट ईएम हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे Na प्लस, ठीक। और प्लस यहाँ पर देख रहे हैं सल्फेट आयन, यानी कह सकते हैं लैम्डा नॉट हो जाएगा, और SO4 का क्या हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर ईएम लिखना है तो ईएम लिख सकते हो, ठीक। तो ये हो जाएगा मोलर चालकता, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका मान लीजिए है एल्यूमिनियम सल्फेट है, यानी Al2SO4 का होल थ्रास है, और इसको जब आप ब्रेक करोगे तो एल्यूमिनियम किस में जाता है 3+ में जाता है, तो इसको 2 आगे लिख सकते हो, और SO4 2 माइनस है, कितना है आपका 3 है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं SO4 की संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ पर 3SO4 लिखोगे, और एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है 2 है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे लैम्डा नॉट ईएम हो जाएगा, अब ये Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप लैम्डा नॉट ईएम लिखोगे, एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है आपकी 3+ है, इसको लिखोगे, और यहाँ एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना 3+, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है 2, तो 2 यहाँ लिखोगे, और यहाँ पर 3 है तो 3 लिखोगे, और लैम्डा नॉट हो जाएगा, और ईएम लिखोगे, और SO4 पर क्या हो जाएगा 2-, क्लियर। ये तो हो गया आपका। इस टाइप से हम क्या करते हैं कि कोलराउस के नियम के आधार पर हम क्या करते हैं किसी भी वैद्युत अपघटन की मोलर चालकता की गणना करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोलराउस नियम का अनुप्रयोग क्या होगा, इसका यूजेज कहाँ पे होता है, ठीक है, उसको समझते हैं। तो लिखेंगे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग,
बोल रहा हूँ उस नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ, ठीक है। अब कोलराउस नियम का अनुप्रयोग था, पहला आपने देखा कि अभी हम मोलर चालकता की गणना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अवघट की मोलर चालकता की गणना की जा सकती है या की जाती है, क्लियर, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या था, कोलराउस के नियम से अगर देखें, नियम से अगर बात करें तो क्या था, लेमडा था कैपिटल में, लेमडा नॉट एम इक्वल टू था न्यू प्लस लेमडा नॉट, क्या था आपका प्लस था, प्लस लिख रहे थे न्यू, माइनस था लेमडा नॉट, क्या आ जाएगा माइनस। तो इस फार्मूले से जो अभी हमने देखा था उसके आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। दूसरा बात हो सकता है कि अनंत पर, यानी कह सकते हैं या इस नियम की सहायता से से वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है, गणना निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है, की जा सकती है। तो अगर हम बात करें कि जो मोलर चालकता होती है वो किस पर निर्भर करती थी, आयनों की मात्रा पर, यानी आयनों की संख्या पर निर्भर करती थी। अब आयन जब है, यानी कह सकते हैं वो क्या हो जाए, आयनों की संख्या यानी वियोजन की मात्रा, यानी कितना ज्यादा वो वियोजित हो रहा है, तो उसकी मात्रा की गणना हम कर सकते हैं किसके हेल्प से। तो उसके लिए लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू, इसे हम अल्फा यानी वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से लिखेंगे, तो अल्फा बराबर होता है लेमडा एम बाय लेमडा नॉट एम, यानी किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता अगर है उसकी वैल्यू दी हुई है और अनंत पर मोलर चालकता दिया हुआ है, तो हम उसकी अल्फा यानी वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। या तो आप तुल्यांकी चालकता अगर लिखना चाहते हैं तो तुल्यांकी चालकता की भी गणना हम इसी फार्मूले से कर सकते हैं। तो लेमडा नॉट ई क्यू लिख सकते हैं, सॉरी लेमडा ई क्यू बाई हो जाएगा लेमडा नॉट ई क्यू, क्लियर। तो ये जो है दो फार्मूला है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम अल्फा यानी कह सकते हैं वियोजन की मात्रा की हम गणना कर सकते हैं, क्लियर। अब जहां लिख सकते हो, जहां लेमडा एम किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक है, और उसके बाद लेमडा नॉट एम जो है क्या होगा, अनंत तनुता पर क्या है आपकी मोलर चालकता है। अगर वहां पे बात करें लेमडा ईक्यू क्या है, तो लेमडा ईक्यू जो है वो किसी भी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता है, क्या है, तुल्यांकी चालकता है, और लेमडा नॉट ईक्यू जो है वो क्या होगा, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता है, क्लियर। अनंत तनुता पर क्या है, तुल्यांकी चालकता है। अब अल्फा लिखना है तो अल्फा क्या हो जाएगा, वियोजन की मात्रा। तो आप जानते हैं कि अगर कोई वैद्युत अवघट जितना ज्यादा वियोजित होगा उसकी मोलर चालकता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सीज पर पूर्ण टू लेमडा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब अगला हम बात करें, थर्ड पॉइंट अगर देखें तो हम इस कह सकते हैं कि कोलराउस के नियम की सहायता से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो ले सकते हैं
कोलराउस के नियम की सहायता से वियोजन स्थिरांक के कहेंगे के की गणना की जा सकती है। क्लियर। तो यह जो नियम है यानी कह सकते हैं वियोजन स्थिरांक का, जो वियोजन स्थिरांक जो आया था वह वास्टवाल्ड के तनुता नियम के आधार पर आया था। वास्टवाल्ड ने क्या कहा था कि अगर कोई मोनो बेसिक अम्ल है, ठीक है, तो उसको हम समझते हैं कि वास्टवाल्ड है। तो हम पहले बार पढ़ते हैं वास्टवाल्ड का नियम, ठीक है। तो वास्टवाल्ड का नियम क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपका एस्टिक एसिड है, ये साम्य अवस्था में अगर हम बात करें तो C3CO- में ब्रेक हो जाएगा और ये हो जाएगा H+, ठीक है। वास्टवाल्ड का क्या नियम, द्रव अनुपाती का नियम भी कहता है, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पर जो C है, ठीक है, मान लीजिए वियोजन से अगर पूर्व की बात करें, वियोजन से पूर्व यानी एसीटेट आयन जो है जैसे ही आपने लिया तो इसका मतलब वियोजित नहीं हुआ होगा, तो इसको हम 0-0 मान लें और एसिटिक एसिड की जो सांद्रता है उसको हम सी मान लें। तो हम कहेंगे कि वियोजन से पूर्व यानी बिफोर द डिसोसिएशन। अब मान लीजिए आफ्टर द डिसोसिएशन बात करें यानी वियोजन के पश्चात की बात करें, वियोजन के पश्चात क्या हो जाएगा, तो वियोजन के पश्चात मान लीजिए इसके अल्फा कण टूट गए बन गए और इसके जो है अल्फा कण मिले, ठीक है, यानी कह सकते हैं अल्फा कण, ये अल्फा एसीटेट आयन मिला और अल्फा की मात्रा क्या हुई, H+ मिल गई। क्लियर। अब बात कर रहे हैं कि इसमें कितना होगा, अब इसकी मान लीजिए क्या होगी, कोई ना कोई सांद्रता होगी, तो उसकी सी सांद्रता होगी। अब ये जो है इतना तो आयनित हो गया, यानी पहले सी था लेकिन अब ये आयनित हो गया तो ये कम हो गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, C-C α लिख सकते हो। क्लियर। क्या लिखो, सी में से क्या कर दो, इसको घटा दो। ऐसा नहीं है, देखिए अगर एक ऐसे देखिए एक है तो ये क्या हो रहा है, C10 एक मिल रहा है और ये भी एक हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक दो घटा दोगे, नहीं, इसमें सी अल्फा वियोजित हो रहा है और सी अल्फा वियोजित हो रहा है, तो इसका मतलब सी अल्फा आप घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको जोड़ करके उसके बाद घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो C-α हो जाएगा या इसी को 1-C × 1-α कर सकते, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका वियोजन के पश्चात, ठीक। अब जब वियोजन स्थिरांक लिखते हैं, ठीक है, तो वियोजन स्थिरांक, तो वियोजन जो स्थिरांक होता है उसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो C α लिखेंगे और उसके बाद C α ये हो जाएगा, इस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, C × 1-α, 1- क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो C से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C α² देखिए C है और अल्फा अल्फा का गुणा हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बात करें तो 1-α हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि कह रहा है कि यह दुर्बल वैद्युत अवघट है, देखिए ये जो है वास्टवाल्ड का नियम किसके लिए दिया गया था, दुर्बल वैद्युत अवघट के लिए, यानी अनंत तंत्र पर दुर्बल वैद्युत अवघट की बात कर रहा है, तो दुर्बल वैद्युत अवघट अगर है तो इसका मतलब है कि इसमें जो अल्फा का वियोजन होता है वो दुर्बल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह कह रहा है कि आंशिक रूप से टूटता है, यानी वह वैद्युत अवघट जो आंशिक रूप से टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अवघट, यानी आंशिक रूप से टूटेगा तो इसका मतलब है कि अगर हम पूरी सांद्रता से बात करें तो उसमें जो अल्फा का मान है वो बहुत कम आएगा, यानी अल्फा की वैल्यू हम बहुत कम, एक से बहुत कम मानेंगे, तो अल्फा इज लेस देन 1 हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं 0 हो जाएगा, 0 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा आप K = लिख सकते हैं C α², ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, C α² लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये दो फार्मूला मिल गया, एक ये मिल गया K = C α² 1- क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है, ये दो फार्मूला आपको मिल गया किससे, वास्टवाल्ड का तंत्रता नियम। अब ये वास्टवाल्ड का तंत्रता नियम क्या करेंगे आप, अप्लाई करेंगे किसमें, कोलरास में। अब कोलरास ने क्या कहा था, ठीक है, अब इसी के अनुसार लिख सकते हैं कि क्योंकि अगर बात करें तो α = क्या था आपका लेमडा, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, इसके नीचे आप लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक, तो यहां पर अल्फा बराबर हमने लिखा था क्या लेमडा, क्योंकि जानते हैं कि अल्फा बराबर क्या होता है, लेमडा m / लेमडा नॉट m,
ठीक है, अभी समीकरण में रख लीजिए, यानी कह सकते हैं वो नीचे होगा तो यहां लिख सकते हैं। उपरोक्त समीकरण में लिखने पर या उपरोक्त समीकरण में अल्फा का मान रखने पर, ठीक है, तो अल्फा का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका k इक्वल टू, एक और समीकरण आपने देखा था k बराबर क्या था आपका c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो इसमें भी आप रख सकते हो, इसमें लिखिए, इसमें रखिए आप, तो c हो जाएगा इंटू अल्फा बराबर क्या था लेमडा m बाई हो जाएगा लेमडा नॉट m, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर था तो अल्फा स्क्वायर लिख लूंगी और हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू क्या है लेमडा m बाई लेमडा नॉट m, क्लियर। अब इसका अगर हम तिर्यक गुणा कर लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा k बराबर c इंटू लेमडा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ठीक है, यह जो होगा ये तो नीचे चला जाएगा तो लेमडा नॉट m का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कोष्टक में बात करें तो लेमडा नॉट m हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर लेंगे लेमडा नॉट m, अब यहाँ पर बटे 1 तो इससे गुणा कर दोगे यहाँ पर तो हो जाएगा लेमडा m और डिवाइड बाय क्या हो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो लेमडा नॉट m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा c इंटू सी और लेमडा नॉट लेमडा m का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा लेमडा नॉट m, ठीक है, और हो जाएगा लेमडा नॉट m माइनस हो जाएगा लेमडा m, ठीक है। तो एक फार्मूला मिल जाएगा, इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, किसके मोलर चालकता, अब मोलर चालकता अगर दिया है और उसकी सांद्रता दी है और अनंत पर मोलर चालकता है तो उसकी सहायता से हम वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते थे। तो ये था आपका कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.9, ठीक है, तो आप जाएंगे वहां पर आपको 3.9 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, उसमें देखेंगे कह रहा है 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक अम्ल की चालकता कितना दिया है 46.1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी वियोजन मात्रा योम वियोजन स्थिरांक की गणना, वियोजन मात्रा मतलब अल्फा की बात कर रहा है, योम वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए, दिया है कि लेमडा नॉट, ठीक है, लेमडा नॉट एच प्लस और उसके बाद जो है लेमडा नॉट एम एच सी ओ माइनस, इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं इसके अल्फा यानी हमें क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। तो लेमडा नॉट जो था एच प्लस, ठीक है, इक्वल टू है आपका 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये कुत्ता लग रहा है पागल हो गया, उसको छोड़ो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर देखो लेमडा नॉट एम है, लेमडा नॉट एम और उसके बाद जो है एच है सी ओ माइनस है इक्वल टू 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल क्या होगा इनवर्स होगा, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेथेनोइक की चालकता दिया हुआ है, देखिए 0.025 मोलर पे, यानी यहाँ किसी भी चालकता पर क्या हो जाएगी मोलर चालकता यानी लेमडा यम कहेंगे इसे, और यह जाएगा 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कह क्या रहा है वियोजन मात्रा यानी अल्फा ज्ञात करना है और वियोजन स्थिरांक यानी के की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, ये था आपका गिवन कंडीशन था। अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो अगर इस केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि लेमडा नॉट एम निकाल सकते हो, तो अल्फा बराबर जानते हैं फार्मूला क्या होता है लेमडा एम बाय लेमडा नॉट एम, तो लेमडा एम की वैल्यू देखिए दिया हुआ है लेकिन लेमडा नॉट एम की नहीं है तो पहले उसको निकालना पड़ेगा, तो लेमडा नॉट एम एसिटिक एसिड है तो एस्टिक एसिड को क्या ले सकते हो मेथेनोइक है तो फार्मिक एसिड होगा, क्या हो जाएगा आपका फार्मिक एसिड, तो ऐसे ले सकते हो इसको एच सी डबल ओ एच, अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको एच सी ओ माइनस मिलेगा और एच प्लस यानी फार्मेट आयन मिलेगा और एच प्लस मिलेगा, तो इसको क्या ले सकते हो लेमडा नॉट एम, ठीक है, फार्मिक एसिड, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा नॉट, ठीक है, लेमडा नॉट हो जाएगा यम फार्मेट आयन हो जाएगा और प्लस लिखोगे लेमडा नॉट यम, ठीक है, एच प्लस, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लेमडा नॉट यम जो है फार्मेट आयन की अगर हम बात करें जिसकी वैल्यू दिया है आपका 54 यानी 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ, क्लियर, और प्लस जो है इसको जाने दीजिए और प्लस जो है लेमडा नॉट एच प्लस की वैल्यू कितना दिया हुआ, ठीक है, यहाँ दिया है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, अब जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमें लैम्डा एम की वैल्यू में मिल गई। अब लैम्डा नॉट एम की बात करते हैं तो लैम्डा एम बराबर क्या अल्फा की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा यानी अल्फा बराबर हो जाएगा लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा एम की वैल्यू कितना है आपका, देख रहे हैं आपका 46.1 है और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट एम, इतना 404 है यानी 404.2 हो जाएगा। कैंसिल आउट जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.114, ठीक है, कितना आएगा 0.114 आ जाएगा। ठीक, अब वियोजन स्थिरांक की हम बात करते हैं तो वियोजन स्थिरांक के लिए हमने अभी देखा फार्मूला क्या आ रहा था मोनोबेसिक के लिए, वियोजन स्थिरांक मोनोबेसिक अम्ल के लिए अगर बात करें तो सी आ रहा था, अल्फा स्क्वायर आ रहा था और 1 - अल्फा आ रहा था। तो वैल्यू रख दीजिए सी का वैल्यू कितना है, सांद्रता, देखिए यहाँ पर सांद्रता दिया हुआ है तो यहाँ पर एक चीज़ और बढ़ा लीजिए सी, यानी सी बराबर 0.025 मोल पर लीटर, यानी एम ले सकते हैं मोलर है, ठीक है, तो यहाँ पर ले सकते हो आप 0.025, ठीक है, और सी अल्फा स्क्वायर जो है, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू जितना कितना आ गया है आपका 0.114 हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 - अल्फा है, ठीक है, तो 1 में से क्या करिए इतना घटा दीजिए 0.11 कितना आ जाएगा 4, ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.66 × 10⁻⁷, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था एनसीईआरटी का, जिसमें आपको वियोजन की मात्रा कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी पता चल गया और वियोजन स्थिरांक की कैसे ज्ञात की जाती है वो भी पता चल गया, ठीक है। अब हम मोलर चालकता को हम थोड़ा और समझते हैं, उसके लिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन अगले सेकंड की, तो यहाँ पर देख रहे हैं अनंत तंत्रता पर जो है एल्युमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता 558 साइमन सेंटीमीटर रिवर्स है, तो कह रहा है Al3+ आयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, दिया है इतना, ठीक है, यानी ऐसे दिया है तो इसको हम लैम्डा नॉट लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या दिया गया है, तो गिवे में अगर बात करें तो लैम्डा नॉट दिया है एल्युमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता, तो इसको ले सकते हैं Al2SO4 का होल थ्राय, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक, इक्वल टू कितना है आपका 858, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इतना दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये भी दिया है लैम्डा नॉट एम, देखिए आपको अगर यहाँ पर कहीं कहीं कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा होगा लैम्डा नॉट एम और उसके बाद जो है मान लीजिए एस्टिक एसिड है तो आप क्या लिख सकते थे, तो हम लोग वहां पर जो लिखते थे लैम्डा नॉट ऐसे लिखते थे, ठीक है, तो इसके जगह पर कहीं कहीं ऐसा भी लैम्डा नॉट एम लिखा होगा और एसीटेट आयन लिखा होगा CH3CO- और प्लस जो है लैम्डा नॉट और H+, ऐसा भी लिखा जा सकता है कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप लिखते हैं, लेकिन मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए लैम्डा स्मॉल का प्रयोग किया है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे अगर बुक में कहीं दिया है, ठीक है, तो कुछ बुक में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये समझ जाएंगे कि वो स्मॉल लैम्डा है, ठीक, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू दिया है आपका SO4 2- इक्वल टू क्या है आपका 167 cm² और उसके बाद मोल इनवर्स, क्लियर। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, कह रहा है एल्युमिनियम आयन की ज्ञात करना है, यानी लैम्डा नॉट Al3+ की वैल्यू कितनी होगी ये ज्ञात करना है, ठीक है, तो कोलराउस का नियम अगर लगाते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हो, पहले इसको ब्रेक करो, यानी Al2SO4 का होल थ्रैश है, अगर ये ब्रेक करोगे तो 2Al आपको 3+ मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद 3 जो होगा SO4 पर क्या हो जाएगा 2- मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं इसका वैल्यू तो लैम्डा नॉट लिखोगे m या m छोड़ दो इसे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं Al2SO4, ठीक है, का होल थ्रैश लिख लोगे, ठीक, और इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2 लैम्डा नॉट, ठीक है, और Al3+ लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, ठीक है, लैम्डा नॉट हो जाएगा SO4 पर क्या हो जाएगा 2- हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस केस में तो ये वैल्यू दी हुई है कितना आपका 858 दिया हुआ है, ठीक, और उसके बाद 2 हो जाएगा और इनटू लैम्डा नॉट Al का हमें निकालना है, Al3+ का तो हमें निकालना ही है, ठीक है, प्लस जो है 3 दिया हुआ है और लैम्डा नॉट जो है सल्फेट आयन का देखिए कितना दिया हुआ है आपका 160 दिया है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 160, तो 16 3 48 480,
अगर इसको इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 into λ0 हो जाएगा AL3+ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 858 माइनस जो है 16 × 48 यानी 480 हो जाएगा। ठीक है, तो 480 में घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और हो जाएगा 15 से 8 गया 8 × 7 = 15 7 आ जाएगा और यहाँ एक बचेगा 7 होगा 7 × 4 = 3 यानी 378 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम का पूछ रहा है। ठीक है, यानी मोलर से अगर किसका पूछ रहा है एल्युमिनियम का, लेकिन यहाँ पर देख रहे इसकी संख्या कितनी है 2 है तो हमें निकालना कितने है एक ही का निकालना है। ठीक है, तो 2 × क्या था आपका लेमडा नॉट था AL3+ इक्वल टू क्या आया था आपका, ठीक है 378 आया था। ठीक है, अब इसको जब आप 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या आ जाएगा लेमडा नॉट हो जाएगा AL3+ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 189 आ जाएगा। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस टाइप से क्वेश्चंस जो है आप फुल राउस का सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।